अस्सलामु अलैकुम। 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। थाना सदर फूलनगर पुलिस की गुंडागर्दी उरूज पर, पुलिस डकैती और ख्वातीन पर तशद्दुद का एक और वाक्य सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर फूलनगर पुलिस वर्दियों और सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों की डकैती और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने और ख्वातीन को गलीज गालियाँ और तशद्दुद और घरों की तोड़फोड़ का शर्मनाक वाक्य सामने आ गया। नकदी रकम और तलाई जेवरात समेत गरीब शहरियों साबिर खलील वगैरह को अगवा करके ले गए। जिला कसूर थाना सदर फूलनगर की हदूद दीनानाथ में पुलिस वर्दियों और सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने शहरियों के घरों से तकरीबन 7,80,000 रुपये और तलाई जेवरात तकरीबन 10 तोले भी साथ ले उड़े। शहरियों की आमिर असलम SI चौकी इंचार्ज दीनानाथ से पूछने और पुलिस को रोकने पर साबिर खलील और फैसल वकील पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश करते हुए शहरी अरसलान और अशरफ वगैरह शहरियों को ज़बरदस्ती उठाकर साथ ले गए। शहरियों के घरों समेत होटल पर भी तोड़फोड़ की गई और CCTV कैमरे भी उतार कर साथ ले गए, जिसके CCTV फुटेज भी में देखा जा सकता है कि पुलिस गर्दी से तंग आकर साबिर वल्द खलील अशरफ वगैरह समेत खवातीन की आला अफसरान और पाकिस्तान आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील। थाना सदर फूलनगर के हदूद में दीनानाथ पुलिस चौकी इंचार्ज आमिर असलम SI और अहलकारों ने घरों में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद और लूटमार की और इससे कबल हमारे खिलाफ झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज कर दी थी और खवातीन और घरों में मौजूद जवां बच्चियों पर तशद्दुद किया और इनसे मोबाइल फ़ोन भी ले उड़े। साबिर खलील वगैरह का कहना है कि हम होटल और दुकानें चलाते हैं, इसी से ही अपना घर बसर करते हैं, जबकि पुलिस वाले खाना वगैरह खाते हैं और पैसे नहीं देते, मांगने पर झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देते हैं और इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि तुम बिजली चोरी करते हो और हमको आंखों पर पट्टी बांध कर अपने साथ ले गए और घर वालों से पैसों की डिमांड करते रहे। पैसे न देने पर झूठे इल्ज़ाम मंशात फरोशी और पुलिस मुकाबले में बंद कर देने की धमकियाँ दी और डराते धमकाते रहे। क्या ये इंसाफ है? अगर यही हाल हमारी पुलिस का रहा तो पुलिस में सिपाही कम और पुलिस से तंग आए लोग जुराइम में ज़्यादा मुलविस दिखाई देंगे। घर वालों और अहल मोहल्ला की आज पंजाब और आला हुकाम से दर्दमंदाना अपील है कि शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। अगर साबिर खलील अशरफ वगैरह किसी जुराइम में मुलविस हैं तो सबूत शवाहिद पेश किए जाएँ। नकदी रकम और इतलाई जेवरात हमारी बच्चियों के हैं, जिनमें एक बच्ची की कल शादी भी है और कई की शादी चंद रोज पहले की है, जो कि बच्चियों के जेवरात हैं। हमारे पैसे हैं और तलाई जेवरात वो हमें वापस दिलवाए जाएं। और DPO कसूर से अपील है कि सदर फूलनगर पुलिस चौकी इंचार्ज आमिर असलम वगैरह को फौरी नौकरी से निकाला जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए ताकि पुलिस का मोराल बहाल रह सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद ब्यूरो चीफ मोहम्मद फैसल मुगल से। जी फैसल, क्या तफसीलात हैं? मौजूद हैं फूलनगर के नवाही गाँव पिंड दीनानाथ में, जहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी और चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। जानते हैं हम फैमिली की ज़ुबानी के उनके साथ क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हुआ है आपके साथ बताएं। बेटा मेरे ना सारे घर पुलिस आई है, ना सारे सारे ना मारा कुत्ते आए हैं, मेरे ने मारा कुत्ते मेरे गाल पर ने मेरे कमीज में बुखार नहीं साग दीगी, मेरे कमीज में बाल मेरे गाल पर मेरे गाल चैन लोगट दी वो भी थ्रू के ले गए ने मेरे ना ने मारा कुत्ते मेरे ने साग दी। माँ जी मामला क्या है, मामला की असल वजह है क्यों आए सारे घर पुलिस रोड़ा से निपट गया सी, दिमागता हो गया सी, सारा कुछ हो गया सी, तो पता नहीं की रोला तो की नहीं। अच्छा एक मिनट ब्लैक ब्रेकर, उन्होंने दसना कि मेरे दांत भी तोड़ दिते हैं। दांत भी
ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਕਾਰ ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੇ ਅਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਬ ਇਨਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਬੈਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਹਮੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰ ਆਪ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦੋਂ ਕੋ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਘਰ ਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵਿਆ ਤੋ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ ਸੇ ਜੋ ਰਕਮ ਥੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਆਪ ਕਿਸੀ ਕਾ ਇੱਕ ਆਮਰ ਉਸਕੇ ਸ਼ਰਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਅਮਰ ਅਸਲਮ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਕਮਰੇ ਕੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਹੱਤਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ੇ ਫੈਂਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਿਵਲ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ ਆਪ ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜੋਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਬਾਜੀ ਆਪਕੇ ਘਰ ਉਹ 50-60 ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਾ ਘਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹਸਨੀ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਵਰਦੀ ਮੇਂ ਥੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਥੇ ਕੁਛ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਕੁਛ ਵਰਦੀ ਮੇਂ ਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੇ ਤੇ ਔਰ ਚੌਂਕ ਮੇਂ ਖੜੇ ਥੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲੇ ਥੇ ਅਬ ਹਮ ਲੋਕ ਉਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਥੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਇਨਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਇਸਨੇ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਥੇ ਮੰਮੀ ਸੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕਹਤੀ ਤੇ ਬਣਾਓ ਬਣਾਓ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਤੇ ਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
इस वक्त हम मौजूद हैं तीनों भाइयों के छोटी बहन के घर, तो इनका भी यही कहना है कि पुलिस ज़बरदस्ती इनके घर में दाखिल हुई है, तोड़फोड़ की है और कुछ चीज़ें उठा कर ले गए हैं। मजीद जानते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मां आए ने साढ़े घर, दो बीबिया ने, चार पांच पुलिस वाले ने अंदर आए ने, असी बड़ी बिरखी है। उन्होंने साडा टैंकी केस खोलिया, बिचों 1,20,000 रुपया ना फड़िया है, साढ़े 3 तोले का सिट सी और ना फड़िया है। अस बच्चिया ने उन्होंने पूछे कर भी पिछे साढ़े क्यों जबरदस्ती तुम चोरी कर दी पी, वो साढ़े पक्की पे मैंने पुलिस वाले ने बट मारे हाथ से, मेरा बाजू टुट गया। बच्चिया ने हथे जो मोबाइल से पेपर याद कर दी, फिर तो उन्होंने भी गुना चंडा सत्तिया ने, उन्हें हथा दे चूड़िया फुकिया ने। अपना साढ़े लो लमने इतने चौंक के चतरूक गड्डी के बन लगे ने, मैं फिर जबरदस्ती उन्होंने को आपके हथ छाए ने। वो दो लड़कियां से नाल जरा पुलिस वाला अंबर से बगैरत इंसान से, उन्हें इस तरह उन्हें तप मारिया मेरे हथ के उत्ते बल्ला। मैं उन्हें बेटा बेटा करती, उन्हें बेटा कर तू कर हाल ही ये करना है। मर गया नुआ से साड़ी अर्ज है भी वह भी किसी की माँ भैन है, भी असं भी किसी देटिया किसी की माँ किसी की भैन हाँ। साढ़े तो पुलिस वाले ने तशद्दुद की है भी उन्होंने इंजे हक नहीं बनता साढ़े ना, असं इज्जत लोग साड़िया बच्चिया के पक्की पै गए ने आन के, उन्होंने कुटिया मारिया ने, मेरा बाजू तोड़ दिता ने। आर्मी चीफ की फिर भी साज गुजारिश है भी वो इम्तिहान है इन्होंने को लवे गुंडागर्दी कर तो पुलिस करती मिलती इस तरह। मैं अपने घर में बैठे पेपर याद कर रही थी, अभी मैं पेपर दे के आई हूँ, अभी बैठ के मैंने बुक खोली है, ऊपर से पुलिस वाले आ गए हैं हमारे घर आ गए, जो ऑलरेडी कॉन्स्टेबल थे उनके साथ आना, उन्होंने मेरे रूम पे थप्पड़ मारे हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं, अंदर चले गए, मुझे धक्का मारे, मैं दीवार के साथ लगी अंदर चले गए। हमारे घर में सामान पड़ा हुआ था, सामान को उन लोगों ने सारा कुछ इधर उधर कर दिया, कोई भी मतलब कि ना सारा निज़ाम धर्म भरम कर दिया, उन लोगों ने पैसे पड़े थे, गोल्ड पड़ा हुआ था, वो सारा अपने साथ ले गए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मरियम नवाज से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि हमें भी इंसाफ दिया जाए, ऐसे किसी की माँ बहन के साथ तशद्दुद ना किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हम तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान टाइम था, घर में बैठे हुए थे, भाई की शादी थी और हम बरी का जो सामान है ना वो सेट कर रहे थे, तो एकदम से हमारे घर में पुलिस वाले दाखिल हुए हैं। हमारे पूछते पूछते उन्होंने मेरी अम्मी को बंदूक का बट मारा, उनका बाजू तोड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारे हैं, कपड़े वगैरह फाड़ने की कोशिश की। हम पूछते रह गए कि मसला क्या है, उन्होंने यही कहा है पुलिस वाले ने एक ने कि ये हमारा इंतकाम है। हम घर में बैठ के किसी चीज़ का पता नहीं है, पैसे पड़े हुए थे, सोना था, वो सारा अपने साथ ले गए हैं। और मरियम नवाज से मेरी बहुत ज़्यादा अपील है कि जो घर में माँ बैठी है इज्जतदार इज्जत के साथ बैठी हुई, उनके साथ ये इंसान नाइंसाफी क्यों की जा रही है। आए दिन पुलिस वालों का ये मसला आ रहा है कि वो घर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, सामान ले जाते हैं। क्या इस मुल्क में पूछने वाला कोई नहीं है, क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या हर रोज हम ऐसे ही दूसरों के आगे तशद्दुद का निशाना बनते रहेंगे। मरियम नवाज इस वक्त वज़ीर आला है, मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए और ऐसे पुलिस वालों को ना मुअत्तल कर दिया जाए जो बजाय इंसान अवाम का रखवाला बनने के चोर बने हुए, चोर से भी ज़्यादा बने हुए हैं। और मेरी आर्मी चीफ से भी यही गुजारिश है कि पहले सुनते थे कि जो घर से बाहर जाती हैं ना औरतें उनकी इज्जत नहीं छोड़ते, लेकिन अब तो जो घर में बैठी हुई हैं उनकी इज्जत को भी नहीं ये निशाना लोग ये बना रहे हैं। आर्मी चीफ से मेरी पूरी जोर अपील है कि वो पूरी मुल्क का कौम का रखवाला बने, लेकिन हम घर में बैठे भी महफूज नहीं है, हम किसके सामने अपील करें, कौन हमारा इंसाफ करने वाला होगा। मेरी आपसे पूरी जोर अपील है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए और ये आए दिन का जो इनका तशद्दुद है ये खत्म किया जाए।
और चीफ जस्टिस से भी मेरी गुजारिश है कि इस मसले का नोटिस लिया जाए और हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं तीसरे भाई के घर, तो इनका भी यही कहना है कि पुलिस चादर चादवारी का तकदस पमाल करते हुए जबरदस्ती उनके घर में दाखिल हुई है। मजीद जानते हैं माजी की जुबानी की उनका क्या कहना है। जी मान भाई, वो हमारे घर में जबरदस्ती घुसे हैं और बच्चियों को मोबाइल खो दे रहे ने, उन्होंने मोबाइल खो भी लिया ने, लै भी गए ने, ते जबरदस्ती करते रहे ने, चपेटा मार दे रहे ने, सारा कुछ वेखो तोड़ फोड़ गया ने, साडा शादी वाला घर है, खुद वेख लो भी की कुछ होया पै गया। ओके, साडे घर ना जबरदस्ती कुसे है ने, ते उन्हां सानू मारपीट कीती है, ते सारे खिलारे पाए है ने उन्हां ने, शादी वाला घर ही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपनी जान, उनसे पता करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। ये सबसे पहले पुलिस तो हमारे घर पे आई है, हमारे घर के दो दरवाजे थे, इधर से भी आई है उधर से भी आई है, उन्होंने जबरदस्ती हमें घर में घुसे, हमने कहा आपके पास कोई अरेस्ट वारंट वगैरह है, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास सब कुछ है, जबरदस्ती गालियां दी उन्होंने हमें, मेरे पास मोबाइल तो कह रहे थे आप वीडियो बना रहे हैं मुझे मोबाइल दे दो, मैंने उनका अपना मोबाइल चेक भी करवाया, इसके बावजूद उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, मेरी मामा को भी मारा और मोबाइल भी लेके गए हैं, इन हमारी सारी चीजें बिखेर के चले गए हैं, हमारी कजन की शादी थी, घर में जो भी कीमती सामान था वो सारा कुछ वो लेके गए हैं, और इतना बदतमीजी उन्होंने किया हमारे साथ कि हम बता भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से, क्या हम किसी की बेटियां नहीं है, किसी की बहनें नहीं है, या वो किसी के भाई नहीं है, उल्टा मैंने उन्हें बोला आपकी बहन या बेटियां नहीं है, तो वो हमें बोल के गए हैं हमारी कुछ भी नहीं लगती, हमारी ना बेटियां ना बहने ना बीवियां, इतने बदतमीज है ये, और इतना जुल्म करके गए ना कि छोटे बच्चों तक को गालियां दे रहे, थप्पड़ मार रहे थे, धक्के दे रहे थे उन्हें, और हमने मना भी किया लेकिन मना नहीं हो रहे थे, वो हमारी चीजें भी लेके गए हैं, घर पे सोना बना पड़ा हुआ था, मेरी खुद की दो रिंग्स थी वो भी ले गए हैं, पैसे भी लेके गए हैं हमारे, मैंने इनको मना भी किया ये ना लेके जाए, फिर भी वो लेके गए हैं, और जब मैंने मोबाइल का भी मना किया उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इनको अपना सारा मोबाइल भी चेक करवाया है, बहुत ज्यादा उन्होंने बदतमीजी हमारे साथ की है, और सारी चीजें भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कैसे बिखेर के गए हैं, और हम मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, वैसे तो ये पाकिस्तान है इंसाफ मिलना नामुमकिन की बात होती है यहाँ पे, लेकिन हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हम भी पाकिस्तान की बेटियां हैं, मरियम नवाज एक खुद भी बेटी हैं, एक बहन है और किसी की बीवी भी हैं, और उन्हें भी चाहिए कि हमें हर हाल में हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मरियम नवाज से भी मेरी अपील है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की भी हमारी अपील है, वो हमारे भाई हैं हमारे बड़े हैं, हमें हर हाल में इंसाफ दिलाना चाहिए, और हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे घर में आज तक ना महरम मर्द नहीं आया, लेकिन ये पुलिस ने इतनी आगे बदतमीजी की है, और हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, आर्मी से भी और चीफ जस्टिस से भी, प्लीज हमें इंसाफ दिलाएं। मौजूद हैं उनके दूसरे भाई के घर में, इनका भी यही कहना है कि पुलिस जबरदस्ती इनके घर में दाखिल हुई है, तोड़फोड़ की है और इनका सामान भी उठाकर ले गए हैं। मजीद जानते हैं माजी की जुबानी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साढ़े पांच तोले सोना है, साढ़े चार लाख रुपया है, जबरदस्ती घुस के आए नंदर, जबरदस्ती पेट भी मारी मेरे मुंह दते, मेरी चार गेट गई, तो ना सब बदतमीजी भी की थी, धक्के मारते रहे नहीं, इस तरह होना नहीं चाहिए, जो कुछ हो गया अस शरीर दो अगस्त कहीं बाहर निकल सब्जी लैन करी गए, जो कुछ उन्हें पीता गलत किया है, गुंडागर्दी करते पुलिस किसी के घर नहीं जानी चाहिए, बाहर किसी बंदे लैके दाखिल हो सकते हो, दाखिल नहीं अंदर हो सकते, जो कुछ इन्हें किया वायरस बहाओ जो छत दी उन्होंने,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਇਹਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਛੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੁੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਿਲਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚੰਦਾ 'ਚ ਘੁੱਸ ਗਏ। ਅੱਠ ਦਸ ਜਣੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਫੈਦ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਸਰੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜੀ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਪੁਲੀਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਆਦਮ ਕਠਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, 70-80 ਬੰਦੇ ਸਨ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪੀਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਹੈ ਚੀਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਹੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈਓਂ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕੇ ਘਰ, ਇਨਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਆ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਪੀਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਯਾਰ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੇ, ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਥਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਉਸੀ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜੀ ਭਾਈ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ। ਜੀ ਭਾਈ, ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ। ਜੀ ਬਤਾਈਏ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਪੜਾ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਤਦ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਦੋ ਬਾਜੀ ਥੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਥੀ, ਉਨਕੋ ਦੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਰੋਕਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਵੋ ਐਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਦਬਾਤੇ ਹੋ, ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਦਬਾਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੋ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ, ਇਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਨਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 7 پوائنٹ نیٹ ورک۔